सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है 2D प्लान के ऊपर, वो 30x50 प्लॉट में 2BHK प्लान होगा आज पर वास्तु। ठीक है, तो आज का जो टोटल स्क्वायर फुट हमारा प्लॉट का आता है वो 1500 स्क्वायर फुट हो जाता है। ठीक है, 30x50 का स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो उसमें हम 2BHK करेंगे विथ पार्किंग करेंगे और गार्डन भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आपको कुछ, आप घर बना रहे हो तो आपको कुछ तो न कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस साइड जो हमारा जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 फीट है। ठीक है, और ये जो इस साइड जो जगह है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 फीट का है। ठीक है, तो टोटल हमारा प्लॉट का एरिया 1500 स्क्वायर फुट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा जो वो एरिया जो टोटल है उसका जो फेसिंग है वो ईस्ट के तरफ है गेट का। ठीक है, तो हमारे वास्तु के हिसाब से हम बनाए हैं ये प्लान। तो ये इस तरफ है ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो मेन गेट से स्टार्ट करते हैं। तो मेन गेट में आप एंट्री करेंगे तो आपको पहले पार्किंग एरिया दिखाई देगा, जो कि साइज़ 10 फीट x 15 फीट 6 इंच का आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद गार्डन मिलेगा आपको, 10 फीट x 6 फीट का एक गार्डन मिलेगा जहाँ पे आप गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो पार्किंग के दाहिने तरफ ही आपका एंट्री होगा घर को, जिसमें ही 5 फीट x 15 फीट 6 इंच का पहले फ्रंट बरामदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्टेयर लगा सकते हो जाने के लिए। उसके बाद आपका फ्रंट बरामदा आ जाएगा 15 फीट 6 इंच x 5 फीट का। उसके बाद एंट्री करोगे D1 से घर को। ठीक है, तो एंट्री करोगे तो पहले आपका लेफ्ट साइड में मास्टर बेडरूम आएगा 12 फीट x 12 फीट का मास्टर बेडरूम आएगा। उसमें अटैच टॉयलेट भी मिलेगा आपको, 10 फीट x 6 फीट का अटैच टॉयलेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आपका कॉमन टॉयलेट, जो कि 9 फीट x 6 फीट का है। ठीक है, तो ये कॉमन टॉयलेट एक मिलेगा आपको। उसके बाद मास्टर बेडरूम 2 मिलेगा, जिसका साइज़ 12 फीट x 10 फीट का मास्टर बेडरूम 2 है। ठीक है, तो इस तरफ आते हैं। तो ये जो पैसेज आप देख रहे हो, ये 6 फीट 8 इंच का पैसेज है। ठीक है, तो अच्छा पैसेज है, कुछ दिक्कत नहीं होगा जाने आने में। ये किचन में यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि 10 फीट x 8 फीट का आपको किचन मिलेगा। तो किचन की जो डोर है, डोर के सामने ही आपको लिविंग कम डाइनिंग मिलेगा। ये जो टोटल एरिया है हमारा, इसको आप लिविंग भी बना सकते हो और डाइनिंग सेट डाल भी सकते हो। तो जो हमारा यहाँ का जो साइज़ होता है वो 15 फीट 6 इंच x 14 फीट 10 इंच का टोटल आपको लिविंग कम डाइनिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका पूजा रूम आएगा, जो कि 8 फीट x 6 फीट का है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी है तो अच्छा होगा। उसके बाद स्टेयर केस आएगा आपका, 7 फीट x 10 फीट 6 इंच का आपका स्टेयर केस आएगा इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब रूम, टॉयलेट और गार्डन पार्किंग वगैरह के बाद। उसके बाद हम आते हैं विंडो की तरफ। तो विंडो, किचन का जो विंडो है, मैं यहाँ फ्रंट बरामदा की तरफ रखा हूँ। ठीक है, ये विंडो 1 है, तो यहाँ पे भी अगर आप लगा सकते हो विंडो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो साइज़ है इसका 4 फीट x 4 फीट का साइज़ है विंडो 1। उसके बाद लिविंग कम डाइनिंग में भी एक विंडो है 4 फीट x 4 फीट का। उसके बाद पूजा रूम में जो विंडो है उसका साइज़ 3 फीट x 4 फीट है। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने विंडो डाला है वेंटिलेशन के लिए, तो इसका साइज़ 4 फीट x 4 फीट है। स्टेयर केस में जो वेंटिलेटर है इसका साइज़ 3 फीट x 7 फीट है। ठीक है, तो उसके बाद बेडरूम का एक विंडो है 4 फीट x 4 फीट का। उसके बाद कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेटर एक है 2 फीट x 2 फीट। ठीक है, तो उसके बाद आपका विंडो 6 आता है, जो कि मास्टर बेडरूम 1 का है 4 फीट x 4 फीट, और उसका जो टॉयलेट अटैच वाला उसका 2 फीट x 2 फीट वेंटिलेटर एक दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंडो के बाद। उसके बाद यहाँ पे D1 है। ठीक है, ये 4 फीट x 7 फीट है, और इधर जो बेडरूम का जो डोर है ये 4 फीट x 7 फीट है, और इधर अटैच टॉयलेट का 2 फीट 6 इंच x 7 फीट का डोर मिलेगा आपको, और इधर 2 फीट 6 इंच x 7 फीट का डोर भी आपको मिलेगा कॉमन टॉयलेट का। और मास्टर बेडरूम 2 का आपको 4 फीट x 7 फीट का डोर मिल जाएगा, और पूजा रूम का 2 फीट 6 इंच x 7 फीट का डोर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉलम पोजीशन है यहाँ पे,
ये जो सब स्क्वायर सा है, ये सब कॉलम पोजीशन है, ठीक है। तो ये 10 इंच × 10 इंच का कॉलम पोजीशन है, और ये सब जो वाल है, सब वाल 10 इंच का है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से समझे हुए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पहले बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।